पूछिए उनका कई बार मैं हम पैर छुआ पैर पकड़ा हूँ। पूछिए मैंने उनको कसम खा करके कहा कि मैं तेजस्वी के साथ रहूंगा 24 घंटा। पूछिए आप उनके घर में मेरी बात क्या हुई, की जरूरत थी। पूछिए लालू यादव जी को क्या बातचीत हुई घर में। पूछिए तेजस्वी यादव जी को सारी बात हुई कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं एक बार कहा होगा कि ठीक है मधेपुरा लड़ जाएंगे, तब अभी मैंने 20 साल पहले आप बिहार की जनता को बताइए, पप्पू यादव नहीं था 20 साल। क्यों नहीं आपने एक वो क्या सोचते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना। हमने अपनी पूरी 40 साल की संघर्ष और अपनी पार्टी को मैंने विलय कर दिया। अब मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ, मेरे सिवा जाना कहाँ। वो मैं इमोशनल अटैचमेंट हूँ मेरा पूर्णिया। हमें और जगह दगा देता है, तकलीफ देती है। इतने करने के बावजूद पूर्णिया का अटैचमेंट मेरे साथ, फीलिंग, मेरी फीलिंग को आप समझिए। सर कभी भी हमको पूर्णिया ने हमारे दिल से नहीं निकाला। मैं क्या बिगाड़ा लालू यादव जी का। लालू यादव जी जब जब चुनाव लड़े, हम लालू यादव जी के साथ मधेपुरा में साथ रहे। हमने उनसे कहा क्या पूर्णिया जहां पर लगातार रात दिन एक करके हर घर से मिले, पूरी दुनिया को पता था, हम पर थोप दिया गया ना हो कैंडिडेट को। कांग्रेस लड़ती रही। कांग्रेस तो इसीलिए ना चुप हो जाती है कि कांग्रेस को ये ना चला जाए कि गठबंधन कांग्रेस तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? आज लड़ाई किस विचारधारा से है? लड़ हम पूर्णिया में है। काहे भाई पूरा पूर्णिया क्यों? क्या है पूर्णिया में? किसका है पूर्णिया? आप हमको बताइए ना। क्यों नहीं थे 20 साल पहले? आप बिहार की जनता को बताइए, पप्पू यादव नहीं था 20 साल। क्यों नहीं आपने एक लीडरशिप पैदा किया? क्यों नहीं पूर्णिया में आप इसके पहले खड़ा किए? आज क्यों? आज तो मैं कहा ये जा रहा है पप्पू। अब मैं खुल के बोलता हूँ, पूछिए उनका कई बार मैं हम पैर छुआ पैर पकड़ा हूं। पूछिए मैंने उनको कसम खा करके कहा कि मैं तेजस्वी के साथ रहूंगा 24 घंटा। पूछिए आप उनके घर में मेरी बात क्या हुई। उसके बाद क्या हो गया? जनता यही चाहती थी कि आप जाइए। इतने करने के बाद सब लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं। मेरे पास बिगर प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। पूछिए लालू यादव जी को क्या बातचीत हुई घर में। पूछिए तेजस्वी यादव जी को सारी बात हुई कि नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं एक बार कहा होगा कि ठीक है मधेपुरा लड़ जाएंगे, तब अभी मैं मधेपुरा चला जाऊंगा। जब मैं फर्स्ट डे में कायम हूं, बारे बाप। उसके बाद आप कहते हैं पप्पू को नहीं, पूर्णिया नहीं। भाई मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूंगा, 4 लाख से जीतेंगे। वहां की जनता 4 लाख से जिताएगी। वहां के हर जज्बात में मैं हूं। लेकिन मैं जिस विश्वास के साथ पूर्णिया में लोगों ने हमसे मुस्कुराहट दिया, हमें खुशियां दी, हम एक दूसरे के पारंपरिक खुशी है। क्या वहां से जाने का मतलब ये नहीं है कि जहर खा लेना, तब तो आत्महत्या कर लेना होगा हमको। जाने से बेहतर है। ऐसी किस बात की राजनीति करूं भाई? झुक करके राजनीति करने का क्या मतलब? आप सम्मान भेज दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। मेरा इसीलिए के जनता का आप सम्मान भेज दूं? बिल्कुल आपको पप्पू जी झुक के राजनीति करूंगा ना, नहीं उस दिन खुद को मार लूंगा मैं। नहीं पप्पू जी, जिस दिन नहीं मदद कर पाऊंगा न्याय जी के, कोई फायदा नहीं है। ऐसी गंदी राजनीति, ऐसी गंदी कुर्सी नहीं चाहिए पप्पू यादव को। नहीं तो पप्पू जी यही तो कहा जा रहा है कि पूर्णिया से लड़के आप सीमांचल में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और आपकी लोकप्रियता ही पूर्णिया में आपके लिए बाधक बन रही है। लालू प्रसाद अपने बेटे के सामने किसी और को उभरते हुए देखना नहीं चाहते हैं। दूसरा, यादव नेता ओबीसी नेता लोकप्रिय हो, सीमांचल में अपनी मजबूत जमीन तैयार कर ले, ये लालू प्रसाद को पसंद नहीं है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए आपका पत्ता काटा गया। लालू यादव जी को क्या पसंद है, पप्पू यादव को क्या नहीं पसंद है, मैं इतना जानता हूं। परिस्थितियां, अवसर सबको मिलती है। कोरोना का अवसर मिला, पप्पू यादव को लोगों ने बेटा बना लिया, हीरो बना दिया। पटना के बाढ़ में हमको अवसर मिला, हमने लिया, और भी लोग ले सकते थे, सीएम ले सकते थे, कोई और भी लोग ले सकते थे। अवसर को लेने की बात होती है। और दूसरा, वक्त किसी को हीरो बनाता है, परिस्थितियां और विचारधारा हीरो बनाती है, पब्लिक और भीड़ नहीं बनाता। हम किसी के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, जो बात आप अभी कही, सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें वक्त ने डिप्टी सीएम बनाया और वो काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, उनको बनाया। मैं क्यों ऑब्स्टेकल होगा किसी के लिए। और सीमांचल मेरा, ठीक है, आप कह रहे हैं सीमांचल या मधेपुरा में घर है, सेवा कहाँ की किए, कोरोना में कहाँ थे, पटना के बाढ़ में 11 दिन खाना किसको खिलाए, सिर्फ मधेपुरा और सहरसा और पूर्णिया में थे। हम कहाँ थे, सीमांचल में लोकप्रिय है या पूर्णिया मधेपुरा घर है इसलिए पप्पू यादव को आप कह रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सीमांचल में लोकप्रियता का कारण हमको नहीं चुन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या मधेपुरा में हम हार जाएंगे, आपको लगता है क्या, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो क्या आप को समझिए, क्या राजनीतिक पूर्णिया से मैं आपके सेंटीमेंट को बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन लालू प्रसाद नहीं समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो आपको पूर्णिया देने को तैयार नहीं है। आपने अपनी पार्टी का विलय करा लिया कांग्रेस के साथ, वो आपको आरजेडी में लाना चाहते थे, आप नहीं माने, इसलिए लालू प्रसाद अड़ गए। नहीं नहीं नहीं, लालू यादव जी को मैं हमेशा पिता की तरह मानूंगा। अभी भी हाथ जोड़ के कहता हूं, हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो कोशिश सीमांचल मिथिलांचल जीतेंगे। हम लोग काम करेंगे, छोटी छोटी जातियों में, दूसरे जातियों में, वर्गों में, हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पूर्णिया जो एक मेन स्ट्रीम है, जहां पर बहुत कठिनाई होती है, हमें यह समझना होगा कि पूर्णिया का ये घटनाक्रम सुपौल पर क्या असर पड़ेगा। मधेपुरा है, बगल में भागलपुर है, कटिहार है, जो 10 साल से हम नहीं जीते हैं। तो ये बात तो मेरे गार्जियन है और वो हमेशा कुर्बानी दिए हैं, संघर्ष किए हैं, तो उन्हें सोचना है कि उनको जो कहा जाता है कि बीजेपी रोकने में वो हमेशा आगे रहे हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूं। उन्हें सोचना है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, वो सूरज की तरह है, अब वो क्या सोचते हैं मुझे उस पर नहीं जाना। हमने अपनी पूरी 40 साल की संघर्ष और अपनी पार्टी को मैंने विलय कर दिया। अब मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, वो विचारधारा कांग्रेस। मेरा अंतिम 2 सवाल है जिसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। क्या कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पहला सवाल, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि आरजेडी ने ये शर्त रख दिया है कि अगर आप पूर्णिया से खड़े होते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ, तो कांग्रेस को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो महागठबंधन टूट जाएगा। ये न्यूज में ये बात है, मुझे ये जानकारी मिली है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ऐसी सूरत में पप्पू यादव डिगेंगे, हटेंगे? और दूसरी बात, क्या फिर से आपकी बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हुई है, जो आपके साथ, आपकी विचारधारा के साथ, आपके स्टैंड के साथ बने हुए? सर, पहली बात, कांग्रेस निकाल देगी, ये बात लालू यादव ने कह दिया कि यदि पप्पू यादव पूर्णिया खड़ी हुई और कांग्रेस ने नहीं निकाला तो गठबंधन टूट जाएगा। आप मीडिया के लोग जो बोलिए, मैं तो इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ राजा दी राजा की पत्नी लड़ रही है ना, वो गठबंधन में है ना। महाराष्ट्र में 2 जगह गठबंधन लड़ रहे हैं ना, बिहार में माले फ्रेंडली फाइट कर रहा है ना। अगले बार शकील भाई लड़े थे ना, निखिल बाबू आज नाराज है ना। आप पप्पू यादव को क्या करेंगे, ये तो हमारा नेतृत्व समझे। नेतृत्व के प्रति मेरी दीवानगी पहले भी थी, कांग्रेस मेरी आइडियोलॉजी अभी भी है, बाद में भी रहेगी। कांग्रेस का झंडा मेरे घर में मेरी मैडम के हाथ में है और कांग्रेस का झंडा पप्पू यादव के हाथ में रहेगा जब भी हम चुनाव लड़ेंगे, ये आप याद रखिएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, कांग्रेस नेतृत्व यदि कह देगा पप्पू यादव को कि पप्पू यादव जी आपको पार्टी के लिए और देश के लिए काम करना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप एक बात याद रखिएगा, पप्पू यादव किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन यदि कांग्रेस नेतृत्व जो भाई के तरह यदि मुझसे यह कहेगा कि आप चुनाव वहां लड़िए, तो इतना अधिकार तो मेरा भी बनता है कि मैं चुनाव पूर्णिया छोड़ के कहीं और लड़ने नहीं जाऊंगा। आप इस बात को क्लियरिटी समझ लीजिए, लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो नहीं लड़ूंगा।